हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए, जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है, जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? हे अर्जुन, मनुष्य को मय के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर
रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेव, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है? नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में
वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक पर लोक से संबंधित भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहेगी तेरे पास, तनिक मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी रे अर्जुन। मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी, परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता की बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्वान स्वामी सखा हमारे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna.